लोग फुटबॉल खेल रहे हैं। देखो एक साथ तीन दुकान, एक दो तीन, कपड़ा सिलने की दुकान, इसको बोलते हैं मखबत। अच्छा मुझसे बनता भी नहीं नाम, कैसा है? हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप सबको आज है जुमा, आप सबको जुमा मुबारक। तो गाइस कल कुछ ऐसा सीन हो गया, खाना खा के रूम पर आए, मुझे ज़रा सा भी ध्यान नहीं था कि यार मेरे पास कपड़ा नहीं ना, और कल है जुमा, सब गंदा पड़ा है। तो मैंने जल्दी जल्दी भिगो के जो जैसे जैसे किया, सिर्फ एक जोड़ा कल भिगो दिया था, अभी सुबह 5 बजे उठा हूँ, इसको खंगाल के डाल दिया। हालांकि मशीन भी है, ये देखो ये मशीन, रूम पे जगह नहीं, इस वजह से इसको बाहर रखता हूँ। तो अभी सुबह के 9:30 बजे, आधा घंटा पहले उठा था, देख रहे अभी नहाया धोया भी नहीं मैंने, कल वाली जो टी शर्ट पहने थे अभी तक पहने थे। अभी हम जा रहे हैं दोस्त के साथ, बिरयानी की तैयारी करते हैं। बिरयानी इसलिए आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा, मैं शॉपिंग करके आया था, सामान लेके बिरयानी की तैयारी कर रहा था। चलते हैं दोस्त के रूम पे, जो काटना पीटना धुलना पुलना साथ में हेल्प कर देते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं। अभी तो मैंने नाश्ता भी नहीं किया। ये दोस्त का रूम है, क्या होता है अंदर, जाना था दोस्त को लेने, जो बिरयानी बनाएगा मेरा दोस्त है, मेरे घर तरफ का है। तो एक दूसरा वाला दोस्त लेने गया है, हमने कहा यहाँ पे जब से मैं हेल्प करा देता हूँ। तुम तो अभी तक सो ही रहे हो, तो गाइस अभी प्याज की कटिंग हो रही, देखो 10 minutes later। तो गाइस पूरा सामान कट चुका है। मीडिया वाले आ चुके हैं, प्याज टमाटर उधर मिर्चा और अदरक लहसुन, साथ में लड्डू। भाई कुछ कहना चाहोगे? सब सामान तैयार हो चुका है, बिरयानी की तैयारी हो रही है, और हैदराबाद इलाहाबाद बिरयानी के लिए बनेगी। साथ में मेरे सलमान दोस्त सलमान भाई और इधर वली भाई। तो गाइस उधर काम हो रहा, अभी हम जा रहे पता है कहाँ, दूध लेने के लिए। लोग दोस्त लोग बैठे हैं, सोच रहे चाय भी बन जाए तो मजा आ जाए, नाश्ता हो जाएगा। गाइस ये वाला दूध लेते हैं, चाय के लिए सबसे बेस्ट दूध है। दूध ले लिए, चलते चाय बनाते हैं, बनाऊंगा मैं ही और कोई नहीं। साहब को हाँ बिरयानी, इधर प्याज लाल हो रही है और इस तरफ चाय बन रही है, देखो। तो गाइस अभी दोबारा प्याज चढ़ाया इन्होंने, एक प्याज जो है ना ये मजा ले रहा है, खाली खड़ा होके लाल हो गई है, पूरी चाय रेडी हो गई है, उससे बड़ा भी नीचे रख। फाइनली चाय रेडी हो गई है। आओ वाली लड्डू भाई, चाय कैसी लगी? चाय एकदम बढ़िया, पर कैसी लगी चाय? फोटो तो ना खींचो। इतनी देर से फोटो बन रही तब ना, सऊदी लड़के ने इसलिए लोअर पहना थी। तो वही तो मांगे नहीं, देखो एक सुपारी पड़ी अंदर है, कहाँ पर गाइस थोड़ा दिखने लगा है। अभी मुर्गी तैयार हो रही है, उस तरफ पानी बिरयानी के लिए, साला डर रहा है। कितना टाइम लगेगा तैयार होने में? 5 मिनट में तैयार है। बिरयानी तैयार होने में 15 मिनट। तो गाइस मुर्गी अभी हो गई है और चावल इधर सलमान भाई निकाल रहे हैं पसाने के लिए, ये देखो। हाँ तो गाइस देखो रायता भी रेडी हो गया, चम्मच से चला थोड़ा सा उसको, इसमें पुदीना मिर्चा और बहुत कुछ है, थोड़ा सा करीब लाओ मियाँ, फिर मियाँ अजान होने लगी जुमे की। क्या होगी बिरयानी के लिए, क्या कैसी उम्मीद रख सकते हैं? उम्मीद ऐसी रखो कि तुम्हें लगेगा कि 5-star होटल बिरयानी खा रहे हो, उससे भी बढ़िया टेस्ट रहेगा। अच्छा सलमान एक बार में कितनी बिरयानी बना सकते हो? हम अपने घर में बनाए हैं, दो दोस्त लोग की बिरयानी बनाए, हमारे घर में छोटा मोटा प्रोग्राम होता है, अपने हाथ से बना होता है बिरयानी। शादी थी बहन की, रज जगह रहा, उसमें दालचा बनाया रज जगह में, बताओ 150 आदमी का। अब सोच लो यहाँ तो 7-8 लोग, कितनी अच्छी बनी हुई बिरयानी। मेन कारीगर इसी को कहते हैं जो इकट्ठा ढेर बना ले। प्रेस कर रहे हैं, जुमे की तैयारी कर रहे हैं, और हमें भी तैयारी करना है चल के। यार देखो पूरा फुल इंतजाम के साथ स्प्रे मैं एकदम परफ्यूम भी मार के एकदम बहुत जबरदस्त प्रेस करा थे अली।
जोर जोर से बोल के लोग। सलमान भाई भी जो है बैठ गए प्रेस करने के लिए। अब हम भी चलते हैं इनको छोड़ के, फिर हम भी नहाएंगे। तो गाइस फाइनली पूरी तरह की बिरयानी रेडी हो गई। ओ हो 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 हाँ अभी ये रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। महक से तो अच्छी लग रही है। रेडी यार देखो थोड़ा सा चेक करने के लिए निकाल लो बिरयानी की शक्ल, देखो खाली। बढ़िया। एक टुकोटी भी निकाल लो। चलो कैसी है? बहुत जबरदस्त है। चलो इसमें थोड़ा सा निकालो। तुम खा भी रहे हो, बांध के लेके भी जा रहे हो शाम के लिए। गाइस असल बात सलमान का रूम बस बस बहुत है। सलमान का रूम जो है दूर है यहाँ से, और इनको अभी नमाज पढ़ना, फिर बुड्ढे को थोड़ा काम करना है। मंदिर सलमान भाई मंदिर लगा स्टार्ट कर, फिर वैसे ही पैक कर दो। इस वजह से इनको जो है दोबारा आना ना पड़ेगा, इसलिए पैक करके दे रहे हैं। कैसी है और रही रहता? ओए होए 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 होए। अब हम बिस्मिल्लाह कर, हमसे रहा नहीं जा रहा। ठीक है सलमान भाई, रायता वाला ट्राई करो एक लुक में। बिस्मिल्लाह थोड़ा सा भी खाएं, ऐसे सही है हमारा मजा। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान भाई। अगली बार जब भी ऐसा प्रोग्राम रखना ना, तो हमें बताना, मसाला जो जो बताना वो मसाला लाना। चले ये गाइस, हम पैक करके लेके जा रहे हैं कुकर में। चलते हैं गाइस, सलमान को छोड़ देते हैं। आओ भैया सलमान के रूम पे पहुंच गए। इधर से आगे से यूटर्न लेंगे। काफी खूबसूरत सा मकान बना सलमान ये वाला, देखो। ओके सलमान, बहुत बहुत शुक्रिया आप आए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। मा सलामा। बिरयानी खा के रिव्यू जरूर देना। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग भी कमेंट में बताइएगा कि बिरयानी ऐसी दिख रही है, मेहनत हमारी ठीक है कि नहीं। नहीं है क्या? मेहनत किया है 2 घंटे, तो अच्छी है कि नहीं बताइएगा जरा। 2 घंटा पूरा लगा, लेकिन 10 बजे आए थे, 12:05 हो रहा है। ओके सलमान, अल्लाह हाफिज, चलते हैं। क्योंकि हमें भी नमाज पढ़ना है, नहाना है। मेरा कपड़ा धुला नहीं था ना, तो मैं सुबह ही नहा लेता। जुमे की बात ही अलग है, देख रहे एकदम रोड पे सन्नाटा है। सिर्फ खाली नमाज ही दिखाई देते रोड पे मस्जिद जाने वाले। देखो ये मस्जिद है, लेकिन इसमें जुमे की नमाज नहीं होती, क्योंकि छोटी मस्जिद है। देखो रोड पे इतना जाम नहीं, एकदम सन्नाटा है। हाँ अब सीधा चलते हैं, आगे से यूटर्न लेके इस तरफ आएंगे। वो उस तरफ से ही यूटर्न लेकर इस तरफ आ गए हैं, और मस्जिद सामने है। इतनी भयंकर भीड़ लगी मस्जिद पास, जाम लगा। ये टोटल दुकानें बंद है अभी, चाहे खाने पीने की, चाहे किसी भी चीज़ की होटल हो। खुतबा चालू हो गया, ये देखो आ गए रूम पर। गाड़ी खड़ी करो भैया जल्दी। कितना है गाइस, कपड़ा सूखा कि नहीं? ओह सूख गया, सूख गया। 5 minutes later नहा धो के दम रेडी, अभी नमाज का नमाज खड़ी होने वाली है। सर जो कि ये गलत तरीका है, जुमे के दिन नमाज से पहले जाना चाहिए मस्जिद में, खुतबे से पहले। आगे से ख्याल रखूंगा कि जुमे वाले दिन पहले जाना चाहिए मस्जिद। माशाल्लाह नमाज हो गई, अब निकलते हैं इस तरफ से बाहर। अब चलते हैं रूम पर वली भाई के। मुस्कुराहट देखो, देखो धर्राटे काट रही है। आ गए दोस्त के रूम पे, चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या प्लान है। देखो काफी लोग अंदर हैं, कितनी चप्पल है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक मेरे लेके 8, 9 हो गई। चलते हैं अंदर। पूरे आधे घंटे से वेट कर रहा हूँ, दोस्त का गया है ड्यूटी, वो आ जाए तो फिर साथ में खाते हैं खाना। अभी तक उसका वेट कर रहे हैं, मैं तो कब का खाना हो जाता। अस्सलाम गाइस, लड्डू भाई बड़ा टाइम लगा दियो। गाइस को कुछ बोलना चाहोगे? लड्डू भाई यकीन मानो बड़ी खुशी हुई आपका, कहीं तो वीडियो बना रहा है। तो गाइस जिसका इंतजार था वो आ गए हैं, सुपरा बिछ रहे हैं अभी। सुपरा बिछा रहा है यार तू? बिलाल, फैयाज, शहबाज, इमरान, अली, अबे इमरान बे, अबे बहुत टाइम लगा दियो। लेकिन क्या करी, कुछ कहना चाहेंगे सर आप? अबे ये ऑफर नहीं देख रहा है, वो बैठ के ऑफर देख रहा है किताब में। आता ना बड़ा वाला तुम अभी देखा। ये गाइस रहता रहा, अरे लड्डू भाई रहता निकाल रहे हैं, रहते बहुत तेज फैलाते हैं। जिंदगी में भैया फैला। बिस्मिल्लाह, कैसी बिरयानी? मस्त, एक नंबर की। लड्डू भाई तुम बताओ, अली तुम बताओ, इधर 46 रुपया प्लेट है। माशाल्लाह
तुम बताओ मैं इतना बढ़िया बना कि हथवा चूमक दिल खाता फिर दोबारा निकल रही अभी फाइनली हो गया खाना पीना पूरा असर की नमाज के समय हो गया लोग नमाज पढ़ने जा रहे हैं A few moments later. तो गाइस बात कुछ ऐसे हुई मैंने खाना खाया उसके बाद मैंने ध्यान ही नहीं दिया कफिल ने बोला था कि जो है असर की नमाज बाद चले जाना कपड़ा प्रेस करा देना एक काम और बता दिया है प्रेस कराने से पहले खरोच लग गया गाड़ी से क्या हुआ ये देखो फट गया तो इसको सिलाने के लिए बोला है इसको सिलाना है उसके बाद देना है मक्सले पे प्रेस कराना है तो गाइस आपको बता दें आज मैंने व्लॉग नहीं डाला क्योंकि टाइम नहीं मिला वीडियो एडिट करने का एक छो तो ये है अभी बंद है आगे तीन एक साथ है आगे चलते हैं ये है सुपर मार्केट फाइनली ये आ गई दुकान आज यहाँ पर पार्किंग नहीं मिली तो गाड़ी वो वहाँ पे खड़ा किया हूँ ठीक है और ये है दुकान दे दिया ओहो तो गाइस देखो ये शारजा की दुबई की गाड़ी खड़ी है दुबई की गाड़ी है तो ये अंकल अभी सुल रहे हैं ये देखो आज एक साथ तीन दुकान है एक दो तीन सबसे पहले यहीं मैं आया हूँ ये है कपड़ा सिलने की दुकान खयाता इसको बोलते हैं धुल गया ये देखो गाइस सिल गया माशाल्लाह बड़ी जल्दी हाँ अब तो ना टूटेगा ना मजबूत मार दिया चलो गाइस हो गया ये हुआ कितना सिलने का 10,000 तो गाइस ये पेमेंट भी हो गई निकलते हैं सब ऐसे तो जल्दी देते नहीं ना इसीलिए टाइम मांगते हैं जैसे कि मगरिब एक दो घंटे बाद आओ मैंने कहा अभी थोड़ा जल्दी इसको मैंने धुलवाना भी इस वजह से मैंने कहा इसको धुलवाना भी मैंने कहा थोड़ा जल्दी कर दो तो जल्द कर दिया तुरंत सिल दिया ये वो है दुकान गाड़ी ये खड़ी है वो सामने खड़ी आगे धूप काफ़ी ज़्यादा लग रही है ना शाम के अभी 4:30 बज रहा है ये रही गाड़ी मेरी धंधो ये आ गया मसला अभी इसको देंगे तो इशाबाद लेंगे क्योंकि धुलने में थोड़ा टाइम लगता है अस्सलाम वालेकुम इशाबाद देगा लोग फुटबॉल खेल रहे हैं ये देखो ले लड्डू भाई पकड़ो और का आधा घंटा खेला जाए उधर ना बेगो मात्र फेंकना बहुत मजा आ रहा है गाइस अभी रात के 10 बज रहा है और हम लोगों ने डिनर का प्लान बनाया है मुर्गी चावल फाहम यानी कल तो मैडम दी थी कल मैडम के हाथ पैसे लगा आज हम लोग पैसे लगा के खाएंगे फिर सलमान ने कहा यार मुर्गी चावल कोई अच्छी जगह से लेके आते हमने कहा अच्छी जगह एक ही है चलो वहाँ जहाँ से मैडम मंगाती है ज्यादातर वहीं से लेके आते हैं अभी आ गए होटल ये सामने रही फाइनली रूम पर आ गए हैं और इमरान भैया जो है सुपरा बिछा रहे हैं निकालो बिस्मिल्लाह करके ट्राई करो ये है चटनी चटनी अटनी लबन स्पाइसी गाइस ओहो हो हो गाइस इसको बोलते हैं मखबत अच्छा मुझसे बनता भी नहीं नाम ओ गाइस देखो इसमें नींबू है खट्टे के लिए हाँ और ये रहा कैसा है जबरदस्त है कि नहीं पैसा वसूल है कि नहीं चलो मेरा जो है एक फाहम का पैसा बच गया लगा लिया था सर इसके वजह से फर्स्ट टाइम इसको मैंने खरीदा मैं तो खा चुका हूँ पहले मैंने सलमान से कहा अगर तुम्हें अच्छा ना लगेगा तो मैं आज अपने तरफ से तुम्हें फार्म खिलाऊंगा बच गया यार मैं तो चावल और ये मुर्गी पूरी उनुस मुर्गी यानी ये आधी मुर्गी होती है ये गाइस कुकर में एक बार में बनता है जैसे कि सारा मटेरियल डाल दिया मुर्गी चावल सब एक बार में 20 मिनट लगता है 15 मिनट तैयार हो जाता है बिस्मिल्लाह करते हैं बिस्मिल्लाह चटनी टेस्ट करते कैसी है मिर्चा स्पाइसी चटनी है लेकिन ज़्यादा पानी है चटनी में ऐसे पियो हाँ ये जुगाड़ बना लिया सर इमरान ने तो गाइस फाइनली फिनिश हो गया सारा और इमरान की ड्यूटी भी आ गई फोन आ गया इमरान हालांकि इन्होंने बोल दिया मैडम से कि खाना खा रहे बोली ठीक है आओ ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दें थैंक यू सो मच कुछ बोलोगे हाँ बस लाइक कर दे सब्सक्राइब करके फिर मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह एक नए व्लॉग में अल्लाह हाफिज़ बाय बाय